मैम विजुअल्स ओ आधा एक सेकंड चाहिए यार कैमरा मैम स्टेडियम मैम दिस कैमरा गाइस एवरीवन ऑन माय राइट प्रोफाइल प्लीज इधर आ जाओ चलो चलो राइट अरे मैं इधर ही हूं मैम दिस कैमरा थोड़ा यार हो गया स्वरा जी रुक स्वरा जी यहाँ पे देखिए थैंक यू एंड ऑल्सो आज बहुत ही खास दिन इसलिए भी है कि शेरकुर्मा का पोस्टर लॉन्च हो गया है बिल्कुल तो किस तरह का रिस्पांस मिला है बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला मतलब एटलीस्ट मेरे कानों ने बहुत सारी तालियां सुनी तो बहुत अच्छा लगा बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है मैंने भी पहली बार देखा एंड आई थिंक आप लोग भी जब देखेंगे जो भी देखेगा आई थिंक दैट इतना हार्ट वार्मिंग पोस्टर है इतना इतना प्रेम से भरा हुआ पोस्टर है इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ पोस्टर है बहुत बहुत बेहद खूबसूरत पोस्टर है आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत सारी यू नो टॉपिक्स पर बातें भी हुई हैं जहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह पर भी बातें हुई हैं और सोशल मीडिया की बात जब आती है तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होती हैं तो बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप मैं क्या बोलूँ अब मेरे जितने सारे ट्रोल्स और नफरती चिंटू हैं वो उनको इतना लगाव है मुझसे कि वो मुझे छोड़ ही नहीं पाते तो वो रोज़ पहुंच जाते हैं मेहनत करने और मेरा नाम रोशन करने तो मैं उनके प्रति शुक्रगुजार ही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बाकी एक्टर्स को फिल्मों की ज़रूरत पड़ती है और कि उनका नाम न्यूज़ में रहे मुझे फिल्मों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब उनकी वजह से उनका लगाव मेरे लिए ही काफ़ी है तो मुझे रेलेवेंट रखने के लिए और मुझे हमेशा न्यूज़ में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा PR फ्री में करते रहते हैं वो लोग ओके अगर बात करें शेरकुर्मा की तो यू नो फिल्म होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड है जी और इस तरीके की फिल्म जब एक्टर चुनते हैं तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर रहता है तो जब आपने ये फिल्म करने का डिसाइड किया तो कहीं आपको कोई सेकेंड था या नहीं मुझे बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं था बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी इतनी खूबसूरत कहानी है वो एंड आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे आप भी अग्री करेंगे कि ये इतनी खूबसूरत कहानी है कि जो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल भी हैं समलैंगिक ताल्लुकात का जो मुद्दा है उसके साथ वो लोग भी मुझे लगता है एक बार कुछ सोचेंगे कि यार शायद क्या हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्या हमारा रिएक्शन बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम जो होता है वो उसका उसकी अपनी पवित्रता होती है उसकी अपनी एक उसका अपना एक पावर होता है एंड आई थिंक कि ये बात मैं नहीं कह रही ये मतलब इस देश के और दुनिया के महान सूफी संत और भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे उन सब ने कही है मतलब मुझे लगता है हर धर्म का अगर आप जो सार है वो यही है कि प्रेम पवित्र होता है और प्रेम ही खुदा तक पहुँचने का तरीका है सो आई थिंक दैट अल्टीमेटली सोल जो हमारी फिल्म का है वो बहुत सही है तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था और प्लस जब मुझे पता चला कि दिव्या मैम और शबाना जी जैसे दिग्गज कलाकार हैं मैं तो मेरे लिए तो मतलब ये एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था क्योंकि मतलब आई थिंक इट्स बीन अ एम एंड अ गोल फॉर मी टू हैव शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विद शबाना जी एंड दिव्या मैम बोथ ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स सो आई मीन आई वाज एक्चुअली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म देखिए टैबू इश्यूज़ और शर्म जो होती है वो सिर्फ तब तक होती है जब हम शर्मनाक महसूस करें या जब हम शर्म को माने अगर आप अपने मन में या आप और हम जब बात करें डिसाइड कर लें कि यार इसमें कुछ शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल चीज़ है नॉर्मल तरीके से बात हो सकती है तो वो टैबू भी ख़त्म ही हो जाता है और टैबू को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कॉन्वर्सेशंस हों ऐसी फिल्में बने उन फिल्मों को देखा जाए उन पर बात की जाए और फिर टैबू अपने आप ख़त्म हो जाता है बिकॉज मुझे लगता है कि जो चीज़ क्राइम नहीं है फिर अगर क्राइम नहीं है फिर उस चीज़ पर तो खुले तरीके से बात होनी चाहिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू